कोविड-19 यानी कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी जिसने विश्व के ताकतवर देशों को बदहाल और कंगाली के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा गया। अभी तक इस बीमारी से बचने का केवल एक ही इलाज है, वह है लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस। भारत में इस महामारी ने तेजी से पैर पसारे, जिसको देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदुस्तान को 21 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी। अब विश्व की निगाहें भारत पर टिकी थी, जिस बीमारी को रोकने के लिए अमेरिका जैसी महाशक्ति भी अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी, वहीं भारत जैसा देश इसे कैसे मुकाबला करेगा। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने बता दिया कि हम जाति धर्म संप्रदाय में बटे हों, लेकिन जब देश की बात आती है तब हम सब मजबूती के साथ मिलकर उसी मुसीबत का सामना करते हैं। उसी की मिसाल है जब हिंदुस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटी और उद्योगपतियों ने मदद के लिए अपने खजाने खोल दिए, वहीं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी मदद के लिए लोगों ने सामने आने लगे। यही नहीं, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है वो भी कहीं ना कहीं श्रम दान कर कोविड-19 के युद्ध में एक सैनिक की भूमिका निभा रहे हैं। इसी कड़ी में कसरावत नगर के नगर पालिका फायरमैन के पद पर कार्यरत साबिर खान द्वारा अपने घर को मेगा किचन बनाकर पूरे परिवार द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए ताजा और गर्म खाना बनाया जा रहा है। साबिर खान ने बताया कि हमारे नगर पालिका CMO प्रियंक पंड्या ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि यदि तुम इस कठिन समय में गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए खाना वितरित करें तो कैसा रहेगा। तो मैंने उनकी बात को सहर्ष स्वीकार किया और उनके सहयोग से हमने इस कार्य को अंजाम दिया है। उक्त कार्य में साबिर खान की पत्नी तरन्नुम और उनकी बेटी भी इस कार्य में उनका सहयोग कर रही है। साबिर खान ने बताया कि खाना बनाने में कुल 6 लोगों की मदद लगती है, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी पड़ोसी और जीनत खान का सहयोग रहता है। वहीं खाना पैकिंग करने के लिए 6 लोगों की मदद ली जाती है। खाना बांटने वाली टीम में 8 सदस्य हैं। पूरे नगर में जरूरतमंदों को सुबह और शाम दोनों टाइम खाना पहुँचाने का कार्य किया जाता है। यह सभी नगर पालिका कर्मचारी नगर पालिका CMO प्रियंक पंड्या द्वारा कर्मचारियों में आरिफ खान, विजय यादव, शालिग्राम के साथ ही गांव के कुछ और समाज सेवी ग्राम भी आर्थिक मदद की जा रही है। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? तरन्नुम खान। तरन्नुम जी, जैसे कि आप सभी हम देख रहे हैं कि जितनी भी गृहिणी खूब खुश है कि उन्हें काम कम करना पड़ रहा है ना, फुर्सत हो गई, लेकिन आपका तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप लगातार इतने सारे आटे की रोटियाँ बना रही हैं, आपके परिवार से सब लगे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ परेशानी बढ़ गई है? ये नेक काम हैगा, गरीबों के लिए है और इसमें तो हमको खुशी हो रही है। आप अपने पति का सहयोग कर रहे हैं इस काम के लिए? हाँ जी हाँ, इसमें हमारे पड़ोसी और हम सब सहयोग में, पड़ोसी और हम पास के ही आवाज तो जब आ जाते हैं। जिस तरीके से कोरोना वायरस की महामारी ने पूरे विश्व को हिला रखा है और अब सारे दुनिया की नज़र भारत के ऊपर भी है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और बहुत सघन बस्तियां हैं, इसलिए सारी दुनिया की नज़र है कि भारत इससे कैसे बच पाता है। निश्चित रूप से 21 दिन का लॉकडाउन किया गया था और इस 21 दिन के लॉकडाउन में गरीब बस्तियों में खाने की काफ़ी परेशानियाँ आने लगी थी, लेकिन भारत की ये खूबसूरती है, हिंदुस्तान की ये खूबसूरती है कि बहुत सारे लोग इस लड़ाई में कोरोना के खिलाफ जो युद्ध है उसमें अपनी सहयोग देने के लिए इतने हाथ उठे हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम भी आ रहे होंगे, लेकिन इन छोटे छोटे जो मदद के लिए उठे हाथ है ग्रामीण क्षेत्र में, कहीं ना कहीं दर्द है कुछ में, फिर भी ये लोग का जो जज्बा है वो देखने लायक है। हम बात कर रहे हैं, हमारे पास में साधु भाई जो नगर पालिका में फायरमैन की पोस्ट पे है, उन्होंने अपने घर को एक बड़ा किचन के रूप में तब्दील कर दिया है और बहुत सारे लोगों के सहयोग से वो गरीब लोगों तक खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने गर्मा गर्म खाना पहुँचाया, उनकी यही हिम्मत और लगन देख करके हमें भी हौसला आता है और हमको लगता है कि निश्चित रूप से यदि ऐसे लोग हमारे साथ हैं तो हम इस जंग को निश्चित रूप से जीतेंगे। और साधु भाई से बात करते हैं, साधु भाई ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? सबसे पहले तो सब आपको बधाई दूंगा कि आप एक नेक और अच्छे कामों में पूरी कार्य में लगे हुए हैं। ये प्रेरणा हमें मिली है कि लोग देखा जाओ कि घर परेशान है लोग और घूम रहे हैं, गरीब लोग हैं, इनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है। हमने सर्वे करा उनका, आगे देखा कि वास्तव में बहुत परेशानी है। इस कारण CMO साहब के द्वारा बताया गया कि साबिर खान तुम देखो ये व्यवस्था खाने का, तुम प्रभारी बन जाओ और तुम इसको देख रेख में तुम्हारी चलने दो। और हमारे जो मार्गदर्शक CMO साहब आरिफ भाई और विजय यादव, उनके द्वारा जो है हमारे बताया गया है कि भाई आप लोगों को हम सहयोग करते हैं और आप ये टीम लगा दी नगर पालिका की, और मुझे जो है मेरे घर पर जो जगह है यहाँ पर मैंने किचन शेड बना रखा है और इन लोगों के लिए जो है खाने की व्यवस्था मेरे द्वारा की जा रही है और दानदाताओं बिचारों द्वारा उनके द्वारा जो है सामान सामग्री दिलाई जा रही है और जो है ये बस इस तरह से काम चल रहा है।
एक कुल कितने लोगों का खाना बन जाता है और कितना समय लग जाता है? ये जो है सवेरे से हम 6 बजे से उठते हैं, 6 बजे से बनाते बनाते शाम के 12 अपने दोपहर के 12 बज जाती है सवेरे खाने में, फिर 1 घंटे का रेस्ट होता है, उसके बाद 1:30 बजे से फिर खाना शुरू होता है हमारा बनने के लिए, तो वो कम से कम 7 बज जाती है हमारे को। जैसा कि हम देख रहे थे, आपने अपने घर को सैनिटाइज भी करवाया और सोशल डिस्टेंस का भी आप पूरा पूरा ध्यान रख रहे हैं हाथों में भी। हाँ, बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है कि इससे जो है महामारी फैल रही है, उसमें बताया गया है कि भाई ये महामारी में जो है दूर रहना है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, तो इसका पालन किया जा रहा है शासन के आदेशों का। तो ये थे साबिर भाई, जो निश्चित रूप से एक प्रेरणा है जो और हमें ये हिम्मत देते हैं, यही छोटी छोटी मदद हमें हिम्मत पहुँचाती है कि हम इस जंग को निश्चित रूप से जीतेंगे। SB न्यूज़ के लिए, SW न्यूज़ के लिए आकिल खान कसरावत, अपन इसको भी बोल रहे हैं। आपके घर की लड़की? हाँ, मेरा लड़की कौशल खान मेरी लड़की है, और एक ये प्रभा मोहे पड़ोस की लड़की है, ये BSC फाइनल है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है मेरी बच्ची, छोटी कसरा में प्राइवेट स्कूल पढ़ाती है, पर एक ये 12वीं तक पढ़ी हुई लड़की है, वो भी काम कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।